किसान की जलने लगी फसल, बेटे की तरह दौड़ा आईपीएस, और अय्या एसपी पर शोगी को कर, आगे एसपी तो पीछे पीछे पूरा गांव। शाम की बात थी, अचानक कंट्रोल रूम में एक के बाद एक कई फोन की घंटियां बजने लगी। लखनऊ में करीब करीब 10-12 फोन आए। सबकी शिकायत एक जैसी थी कि हमारे यहाँ खेत में आग लगने से खड़ी फसल जल रही है, जिसके बाद कंट्रोल रूम ने तुरंत नजदीकी थानों को जानकारी दी। कंट्रोल रूम से बात करते हुए मैसेज ट्रांसफर हुए, बात पहुंच गई एसपी वर्मा तक। फोन तो फायर ब्रिगेड को भी गया, लेकिन वहां से रिस्पांस नहीं मिला। मगर इस बात की जानकारी जैसे ही औरैया एसपी को लगी, तो वो दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उसके आगे क्या हुआ, वो आगे 2 मिनट के वीडियो में आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ये है औरैया के एसपी, नाम है अभिषेक वर्मा। हर कोई हैरान था, क्योंकि इससे पहले होता ये था कि पुलिस आती थी, आदेश देती थी, दूर खड़ी हो जाती थी, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। एसपी वर्मा ने दिल को जीत लिया। वो आगे आए और फिर देखिए 200 बीघा फसल में आग लगी थी। एसपी से देखा नहीं गया, खुद को रोक नहीं पाए। जिले का कप्तान, जिसका काम है जिले की कानून व्यवस्था को संभालना, उसने तुरंत फैसला लिया और खुद को गरीब का बेटा बना लिया। गांव वालों को साथ मिलाकर एसपी साहब बोझा उठाने लगे। बंधे हुए गेहूं की गठरियों को कंधे पर रखकर दौड़ने लगे, और ये तस्वीरें देखकर पूरा का पूरा गांव हैरान हो गया। डीएम हो या पुलिस कर्मी, सब मैदान में कूद पड़े। ये सच है कि कुदरत की मार को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बचाया जरूर जा सकता है। आपदा बताकर नहीं आती, तो इसलिए उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक्शन एसपी वर्मा के जैसा हो तो उस दर्द को कम जरूर किया जा सकता है। अब सवाल ये नहीं कि कितने का गेहूं बचाया गया, सवाल ये है कि जब एसपी ने खुद बोझा उठा लिया, तो वो घटना को बिल्कुल नहीं भूल सकते। किसान को मुआवजा तो मिलना तय है। एसपी बेटा बन गया, डीएम अब वक्त देंगे, पीड़ित किसानों के साथ सिस्टम खड़ा होगा। ये बोझा एसपी ने अपने कंधों पर उठाया है। एसपी साहब भी कह सकते थे कि वो बाहर जा रहे हैं, काम है, या फिर आते फोटो खिंचवाते और चले जाते, लेकिन लगता है कि एसपी साहब को किसान और खेती से लगाव होगा, तभी तो मैदान में खुद कूद पड़े। कुछ तस्वीरें वाकई दिल जीत लेती है। औरैया के सदरपुर ब्लॉक के रोशन गांव में बच्चा बच्चा आज वर्दी को सलाम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एसपी वर्मा किसी गरीब किसान के बेटे हैं, इनके पिता भी आईपीएस हैं, लेकिन इंसानियत के नाते आज उन्होंने जो किया, इसको जन्म देने वाली चित्रकूट की धरती भी गर्व महसूस कर रही होगी। पिछले कई दिनों से यूपी पुलिस की तस्वीरें आ रही हैं। ये वही यूपी पुलिस है जो पहले धक्का मार कर थाने से बाहर कर दिया करती थी, लेकिन योगी के राज में सब कुछ बदल गया। पुलिस का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। पुलिस की नौकरी का मतलब जनता की सेवा। जो मन से करे वो महान, जो नहीं करे उससे सेवा कैसे करवानी है वो योगी को मालूम है। सीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था, उसमें लिखा था कि थाने में जो भी इसकी सुनवाई हो, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जरूर हो तो खाना भी खिलाए, माहौल ऐसा हो जिससे पुलिस ना डरे और अपराधी पुलिस से इतना डरे कि अपराध करना छोड़ दे। अब यूपी बदल रहा है, हमने कम कप्तानों को देखा है ऐसा करते हुए, कम मुख्यमंत्रियों को देखा है जनता की सेवा करते हुए, तो क्या वाकई में यूपी बदल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।